तुम्हें मालूम था ना कि ये खीर मैंने रूही और इसके बच्चे के लिए बनाई है, तो तुमने इसका हक क्यों छीना? अबीरा कुछ तो बोलो। तुम तो आउट हाउस में रहती हो ना अबीरा, तो फिर हमारे घर में क्या कर रही हो? और ये प्रसाद वाली खीर तुमने क्यों चुराई, बताओ? सॉरी मैम, मैंने आप माफी नहीं मांगेगी भाभी। अगर इनकी जगह मैं ये खीर खा लेती तो क्या आप लोग मुझे भी ऐसे ही डांटते मामी साहब? चारू हम बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो तुम। पहले जवाब दीजिए मामी साहब, कल को मेरी और क्यारा की शादी होगी, अगर हमारे इन लोग हमें थोड़ी सी खीर खा लेने पर इतनी खरी खोटी सुनाएंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मम्मा आप तो सबसे पहले लड़ पड़ोगी उनसे, और आज आप ही अबीरा भाभी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। आप जब जब अबीरा भाभी को बिना गलती के डांटेंगे हम बोलेंगे मामी साहब। चलिए भाभी। अबीरा मैं ना वाकई बहुत सिली हूँ, हमारी शादी दो बार हो गई और हम एक बार भी हनीमून पर नहीं गए, इसलिए हम दुबई जाएंगे। दुबई? अबीरा तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था तुम्हें स्काई डाइविंग बहुत पसंद है, पर पक्षरा मैम ने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया, इसलिए हम दुबई जाएंगे और स्काई डाइविंग करेंगे। अगर उन्होंने अरमान और अभिराग के बारे में पूछा भी तो हम कोई बहाना बना देंगे। हाँ नहीं काजल, जब वो लोग यहाँ आएंगे तो अरमान और अभिराग का यह होना जरूरी है, हम इतने अच्छे रिश्ते को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभिराग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाह रही हो? जो भी मैं कह रही हूँ उसे शांति से सुनना। वो तुम्हें याद है वो महन जी वाला केस जो अगले महीने था, अगले हफ्ते पर शिफ्ट हो गया तो हम दुबई नहीं जा पाएंगे। क्यों झूठ बोल रही हो अभीरा? क्या आप हमारे बीच इतना भी भरोसा नहीं बचा कि हम एक दूसरे से सच कह पाए? अरमान मैं जानती हूँ सच जान के तुम यही कहोगे कि मैं हमारे बेबी को जन्म ना दूं, इसलिए मैं चाह के भी तुम्हें सच नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर चारू की आने वाली जिंदगी के लिए तुम्हें आज अबीरा के साथ बहन की तरह पेश आना होगा। ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी फूफा साहब, पर अबीरा मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं है। इनफैक्ट आप उसे यहाँ आने से मना कर दीजिए, क्योंकि अगर वो यहाँ आई तो चारू का रिश्ता तो होने से रहा। देखो बेटा तुम तो समझदार हो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, अगर वो कोई गड़बड़ करती भी है तो तुम प्लीज रिएक्ट मत करना। देखो रूही मैं तुमसे ही कह सकता हूँ, उस अभीरा से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। मैं देखती हूँ चारू तैयार हुई या नहीं। ये क्यों जा रही है चारू को तैयार करने? अब पता नहीं वहां जाके उसे कौन सी पट्टी पड़ाएगी। वैसे ही आजकल चारू और क्यारा अपनी अभीरा भाभी का नाम जपते रहते हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि घर में ना रह के भी अभीरा को भाभी का दर्जा मिला हुआ है, तुम्हें इस बात से जलेसी हो रही है? अरमान ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।